दोस्तों अडानी ग्रुप की कंपनियों ने इस साल भी अपने निवेशकों को अब तक छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है। अडानी ग्रुप की कुल 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, जिनकी कुल मार्केट वैल्यू गुरुवार 7 अप्रैल को 200 अरब डॉलर के पार चली गई। इनमें से 2 कंपनियों के शेयरों ने इस साल अब तक 150% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसके अलावा 3 कंपनियों के शेयर 50% से अधिक चढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों ने इस साल अपने निवेशकों को अब तक 78% से अधिक का औसतन रिटर्न दिया है। आइए जानते हैं अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अडानी पावर शेयर के बारे में। दोस्तों अडानी पावर के शेयर 1 जनवरी 2022 को 101.30 रुपये पैसे पर कारोबार कर रहे थे, जो गुरुवार 7 अप्रैल को दिन के कारोबार के दौरान बढ़कर 256.95 पैसे पर पहुंच गए। इस तरह साल 2022 में इसने अपने निवेशकों को अब तक 157% का रिटर्न दिया है। अडानी पावर का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन गुरुवार को 99,007.62 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों अब बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर के बारे में। अडानी ग्रीन एनर्जी के एक शेयर की कीमत 1 जनवरी 2022 को 1,346.90 रुपये थी, जो गुरुवार 7 अप्रैल को दिन के कारोबार के दौरान 2,275 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस तरह इस साल अभी तक ये शेयर 67% से अधिक चढ़ गया है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,50,339.20 करोड़ रुपए के स्तर को छू गया है। दोस्तों अब बात करेंगे अडानी टोटल गैस शेयर के बारे में। अडानी टोटल गैस के एक शेयर की कीमत 1 जनवरी 2022 को 1,743.80 रुपए थी, जो गुरुवार 7 अप्रैल को दिन के कारोबार के दौरान करीब 2,600 रुपए के स्तर तक पहुंच गई। इस तरह अडानी टोटल के शेयर ने अपने निवेशकों को इस साल अब तक करीब 50% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अडानी टोटल गैस का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिन के कारोबार के दौरान 2,43,311.8 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। दोस्तों अब बात करेंगे अडानी पोर्ट शेयर के बारे में। अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों में इस साल सबसे कमजोर प्रदर्शन अडानी पोर्ट्स के शेयर का रहा है। साल 2022 में अभी तक अडानी पोर्ट्स का शेयर सिर्फ 17.41% बढ़ा है। 1 जनवरी 2022 को कंपनी के शेयरों की कीमत 736.60 रुपये थी, जो गुरुवार 7 अप्रैल को दिन के कारोबार के दौरान 865 रुपये के स्तर तक चली गई। दोस्तों अडानी पोर्ट्स का मार्केट कैप गुरुवार को 1,80,660.72 करोड़ रुपये पर पहुँच गया था। दोस्तों अब मैं बात करूंगा अडानी ट्रांसमिशन शेयर के बारे में। अडानी ट्रांसमिशन के एक शेयर की कीमत 1 जनवरी 2022 को 1,731.10 रुपये पर थी और तब से यह करीब 51% बढ़ चुका है। गुरुवार 7 अप्रैल को दिन के कारोबार के दौरान अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों की कीमत 2,640 रुपये तक पहुंच गई और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,81,666.86 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। दोस्तों अब मैं बात करूंगा अडानी विल्मर शेयर के बारे में। अडानी विल्मर का शेयर साल 2022 का एक महीना बीतने के बाद फरवरी में बाजार में लिस्ट हुआ था। हालांकि इसके बावजूद अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों में सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी ने दिया है। अडानी विल्मर का आईपीओ बीते 8 फरवरी 2022 को 227 रुपये के स्तर पर लिस्ट हुआ था और तब से इसका शेयर अब तक करीब 180% बढ़ चुका है। दोस्तों गुरुवार 7 अप्रैल को दिन के कारोबार के दौरान अडानी विल्मर का शेयर 639 रुपये पर पहुंच गया था और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 83,133.94 करोड़ रुपये पर पहुँच गया था। दोस्तों अब बात करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस शेयर के बारे में। अडानी एंटरप्राइजेस के एक शेयर की कीमत 1 जनवरी 2022 को 1,717.15 रुपये थी, जो गुरुवार 7 अप्रैल को दिन के कारोबार के दौरान 2,200 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। इस तरह अडानी एंटरप्राइजेस के एक शेयर ने अपने निवेशकों को इस साल अब तक 28% का रिटर्न दिया है। अडानी एंटरप्राइजेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन गुरुवार को 2,38,422.33 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। दोस्तों अडानी ग्रुप की सभी 7 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन गुरुवार को दिन के कारोबार के दौरान
15,16,541.75 करोड़ रुपए या 200 अरब डॉलर पहुंच गया है। अडानी ग्रुप रिलायंस और टाटा ग्रुप के बाद देश का तीसरा ऐसा कारोबारी समूह है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 अरब डॉलर से ज़्यादा है। ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों में से 5 के शेयरों के गुरुवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंचने से उसने यह मुकाम हासिल किया है। टाटा ग्रुप की मौजूदा मार्केट कैप 320 अरब डॉलर है, जबकि मुकेश अंबानी की अगुआई वाले रिलायंस ग्रुप की मौजूदा मार्केट प्राइस पर वैल्यू 237 अरब डॉलर है। तो दोस्तों, ये थी अडानी ग्रुप की शेयर न्यूज़ जो मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको ये न्यूज़ सुनकर अच्छा लगा और कुछ भी समझ में आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और फ्यूचर में मैं लाता भी रहूँगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।